नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रन विद टाइम 11 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 6 यानी कक्षा 6 का त्रैमासिक जीके, जो कि अवध मॉन्टेसरी स्कूल में ये पेपर हो रहे हैं। कल हमने चर्चा किया था कक्षा 8 का यानी क्लास 8 का जो जीके का पेपर हुआ था, और आज हम चर्चा करेंगे क्लास 6 यानी कक्षा 6 का। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मित्रों, इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है, दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है, पहला प्रश्न है इसमें, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें विकल्प जो दिया गया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे एशिया जो महाद्वीप है, यही जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम महाद्वीपों की श्रृंखला एक क्रम बताएं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका और छठवें नंबर पे यूरोप, तथा सातवें नंबर पे यानी जो अंतिम है लास्ट वाला, वो है ओशनिया महाद्वीप कहते हैं, या उसी को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया गया कि पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो यह है मित्रों तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसमें जो पहले से टिक लगे हैं मित्रों, उस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि गलत भी हो सकते हैं। आइए तीसरे नंबर पर चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मित्रों ये है दूसरा वाला विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, यानी मेरियाना गर्त। और ये मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं दोस्तों इसमें, हाँ, फोर नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि यश आकार का सागर कौन सा महासागर है? तो यह है आपका अटलांटिक महासागर, यानी तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है कि जल का ऐसा भाग जो तीन तरफ से अस्थल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मित्रों खाड़ी, यानी दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी जल का ऐसा भाग जो तीन तरफ से अस्थलों से जब घिरा होता है तो उसे खाड़ी कहते हैं, और अस्थल का ऐसा भाग जिसके तीन तरफ जल हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ जल हो, उसे द्वीप कहते हैं। और महाद्वीप स्थल का विशाल भूभाग, जिसे हम महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। सात नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को बोलते हैं? तो दक्षिण भारत की जब गंगा कहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कावेरी नदी, यानी पहला वाला विकल्प सही है। और जब ये कहेगा कि भारत की दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, तब आपका हो जाएगा गोदावरी। लेकिन जब कहेगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तब हो जाएगा कावेरी नदी। आठवां क्वेश्चन है, भारत को मैनचेस्टर किसे कहते हैं? यहाँ पे को नहीं बल्कि का होना चाहिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अहमदाबाद को, यानी दूसरा वाला विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। कानपुर की अगर हम बात करें तो ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, कानपुर जो है ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण भारत की मैनचेस्टर की बात करें तो कोयम्बटूर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। आइए नौ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? लीजिए ये प्रश्न भी आ गया, तो कोयम्बटूर यानी तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और दस नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दस नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और ये वंदे मातरम बंकिम
चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को संविधान में कब शामिल किया गया, तो राष्ट्रगान को संविधान में शामिल किया गया था 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत इन दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान में शामिल किया गया था। तिरंगे झंडे की बात करें तो 22 जुलाई सन 1947 को। आइए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है मित्रों कि तिरंगे झंडे को डिजाइन किसने दिया था, तो ये दिया था दोस्तों, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी पिंगाली भगैया ने। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, तिरंगे झंडे को संविधान में कब शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया था 22 जुलाई सन 1947 को, यानी तीसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये है आपका तीसरा वाला विकल्प, यानी सहारा का मरुस्थल, ये अफ्रीका महाद्वीप में लीबिया देश में है। हाँ, तो यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे कि कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी माही नदी। माही नदी ये कर्क रेखा को दो बार काटती है और अपने भारत में ही कर्क रेखा को ये काटती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कांगो नदी को जायरे नदी भी कहते हैं, कांगो नदी या जायरे नदी किस रेखा को दो बार काटती है, तो ये काटती है भूमध्य रेखा को, यानी यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। मकर रेखा की बात करें कि मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, तो वो काटती है लिम्पोपो नदी, और ये बहती है अफ्रीका ही महाद्वीप में। आइए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारत की नदी नहीं है, तो जो नहीं है ये है आपका कावेरी नदी, बाकी गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये उत्तर भारत की ही नदियां हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है, यानी तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। 19 नंबर है, दो देशांतरों के बीच कितने समय का अंतर होता है, तो दो देशांतरों के बीच के 4 मिनट का अंतर होता है, यानी तीसरा वाला विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या मित्रों होती है 360। आइए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर में पूछा जा रहा है कि दो देशांतरों के बीच के समय का अंतराल कितना होता है, फिर से वही प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे 4 मिनट हो जाएगा, यानी दूसरा वाला विकल्प। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की नदी नहीं है, तो यहाँ पे गंगा हो जाएगा, यानी ये उत्तर भारत की है, बाकी सभी कृष्णा, कावेरी और नर्मदा ये सभी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की नदी नहीं है, तो नहीं है जो वो है गंगा। तो मित्रों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।